आओ सुनाए तुम्हें एक गाथा जो है काफी पुरानी, जिसमें एक है भगोड़ा राजा और उसकी जिंदगी की कहानी। जो दास्तान झारखंड के वादियों से गुजर के समुन्दर का पानी पी के 3 महीना एक ही बिस्तर पे लेट के सिखाया खाक से जिंदा होके जीने का तरीका। तो झारखंड के झलक में हम करते हैं स्वागत आप सभी का। बैकपैक करके पेट्रोल डाल के अपन निकल चुके थे रांची के। जाते हुए हमने जो रोड लिया वो जाता था 237 किलोमीटर टुवर्ड्स पुरुलिया होकर। मेरा कॉलेज, मेरा पुराना कॉलेज, पुरुलिया पॉलिटेक्निक। पुरुलिया पॉलिटेक्निक और पुरुलिया शहर से अपना रिश्ते के बाद हम बाद में कभी करेंगे। उस दिन हम किए थे इसको से बाईपास और निकल गए थे रांची रोड से होकर रांची के लिए। चास मोड़ से थोड़ा आगे आके खड़े हुए हैं, ऐसे ही नॉर्मली पानी पीने का मन किया तो रुक गए। बस ये देख सकते हैं मेरे गाड़ी का हालत पूरा लोडेड हो चुका है। आज 2024 पे खड़े होकर इस दास्तान को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तेरा और मेरा रिश्ता इसी रोड से शुरू हुआ था। हम रुके थे होटल पूजा में, खाना हमने ऑर्डर किया था रोटी और तड़का। रांची रोड के ऊपर ही आता है बेगमकदर रेलवे स्टेशन। कहते हैं इस स्टेशन में भूत या फिर ऐसा किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, पर इस दौरान यहाँ के लोकल लोगों का मान्यता कुछ ऐसा है। मैंने पृथ्वी घोरा फेरा कर 40 बचर बंद छोटे मन कर 40 बचर बंद हार पर मानस आतंक है ऐसे भूत आई गोली पचार कलकता थी लोक आसे बेटा छिड़ा बेटी छिड़ा सजा ए हम गोली जेनारेटर कर সেই রকম একটা ভূত মানে ভূতবুড়ি স্টেশন খোলা যায় সে ভূতবুড়ি স্টেশন ভূতবুড়ি স্টেশন এই রকম করে দুনিয়ায় প্রচার হয়েছে ভূত বলে কোনো নাই। यहाँ के लोकल लोगों से बात करके हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिला इस रेलवे स्टेशन और यहाँ के सराउंडेड जो प्लेस है, यहाँ के लोगों को सिर्फ भड़काने के लिए और सिर्फ इनको पीछे रखने के लिए इनके मान्यता है कि ऐसा भूतिया एक अथवा फैलाया गया था जिसका कोई संबंध नहीं है हकीकत से। तो होटल पे चेक इन हमने कर लिया, हालत खराब हो गया, अभी फ्रेश नहीं हुए। ये है अपना छोटा सा रूम। झारखंड के रांची को हमने सिर्फ विजिट किया था एक ही रीजन से, वो अपना पर्सनल था, पर उस पर्सनल रीजन के साथ ही हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का सोचा। इसीलिए ऑलमोस्ट दोपहर के 2:30 बजे हम निकल गए यहाँ से पथरातू वैली के लिए। पथरातू वैली का ये जो रास्ता है ये फुल ऑन कार्पी है और लिटिल बिट इसका जो फील है वो माउंटेन राइड के जैसा ही है, और ये अपना फर्स्ट माउंटेन राइड भी कह सकते हो, छोटा ही सही पर है तो सही। मेरे पीछे का नज़ारा देखो, ये है पथरातू वैली व्यू पॉइंट, इतना खूबसूरत है। और इस तरफ सनसेट होने वाला है अभी थोड़ी देर में, पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से पथरातू वैली का नज़ारा। पथरातू वैली के व्यू पॉइंट को देख के उसके बाद हम निकल चुके हैं पथरातू डैम के लिए, उसके नज़ारा और उसके सौंदर्य को उपभोग करने के लिए। ₹30 के एंट्री टिकट के साथ हम पहुंच चुके पथरातू लेक पर, और यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए अगर कैमरा का इस्तेमाल किया जाए तो उसके दौरान ₹250 से चार्ज लगता है।
पुलिस वालों ने रोक लिया पता नहीं क्यों। मैम पता तुसे हाँ काम करता हूँ। नहीं मैं घूमने के लिए गया था। एक मिनट, अभी यहाँ पर पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया, फिर पूछताछ किए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ रुके हो, अच्छा है, क्या खाया क्या पिया नहीं पूछा। तीसरे दिन सुबह हम जल्दी जल्दी उठ के निकल चुके थे जोना सीता और मिगु वाटरफॉल को विजिट करने के लिए। अभी हम जस्ट हुंडरुक के पास पहुंचे, नीचे जा रहे हैं, पानी का आवाज भी आ रहा है, यहाँ पर जगह जगह पर दो चार शॉप भी है, पर पूरा का पूरा सीढ़ी बनाया हुआ है तो उस सिलसिले में कुछ ज्यादा दिक्कत तो ये देगा नहीं। बाइक हमने खड़ा कर दिया पार्किंग पे, 10 रुपये और चार्ज है और यहाँ पर एंट्री करने का 19 रुपये लिया एक पर्सन का। सफर अपना समाप्त हो गया, अब हम यहाँ से निकल के जाने वाले हैं जोना फॉल्स की तरफ, पर एक दिक्कत आ गया है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं जोना फॉल्स, नीचे है जा रहे हैं बस, यहाँ पर पार्किंग के लिए 20 रुपया चार्ज लिया, ऐसे नॉर्मली एंट्री के लिए 7 रुपीज। अभी आए हैं जोना व्यू पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत छोटा है पर ये भी खूबसूरत है। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। खाना हमने खा लिया, अभी करते हैं जोना फॉल को भी अलविदा। वैसे भूख इतना लगा था कि खाने का वीडियो बना भी नहीं पाए। जोना वाटरफॉल से सीता तक जाने का जो रास्ता है वो काफी खूबसूरत है और माउंटेन से घिरा हुआ। अभी पहुंच चुके हैं सीता वाटरफॉल, आवाज यहाँ से सुनाई दे रहा है सीता वाटरफॉल का। चौथे दिन का सफर हमने शुरू किया था रांची से टूवर्ड्स खारसिला, बीच में आया दसम वाटरफॉल तो उसको हमने विजिट कर लिया। हम खड़े हैं दसम वाटरफॉल व्यू पॉइंट पे, यहाँ से व्यू तो सचमुच बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब आ रहा है। अभी जस्ट हम कांडल डैम के पास में है, यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाले जगह पर मछलियों को स्टोर किया जाता है, मतलब पकड़ के यहाँ पर डाल देते हैं टेम्पोररी, एक रिजर्वर के टाइप। यहाँ पर आप चाहते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वेलकम टू घाटशिला। घाट से लेकर सुबह हमारा शुरू हुआ था माँ रोंकिनी के दर्शन के साथ, उसके बाद बाइक निकल के हम पहुंच चुके थे गौरीकुंज। गौरीकुंज बेसिकली एक ऐसा घर है जो विभूतिभूषण बंदोपाध्याय जी के स्त्री के नाम से डेडिकेटेड है, और विभूतिभूषण बंदोपाध्याय जिंदगी के आखिरी समय कुछ यहाँ पर ही बिताए और यहाँ पर ही उन्होंने रचना किया द फेमस आरण्य। रास्ते पर चलते हुए हमको कई दफा दिख गया ये सुवर्णरेखा रिवर और उसको बाईपास करके हम निकल चुके थे जोधुपुरा रंकिनी देवी टेम्पल के लिए।
इस मंदिर पे माता को माँ रंकिनी नाम से पूजा जाता है और मान्यता यह है कि यहाँ पर पहले के समय पे नरबलि का सिलसिला चलता था। कहा जाता है इस राज्य के जो राजकुमारी था उनका प्रेम संबंध हुआ था एक दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ, पर यहाँ के राजा को वो मंजूर नहीं था तो उन्होंने एक अमावस के रात को उस राजकुमार का बलि देने का फैसला किया। और यहाँ पर आके जब बलि देने का प्रयास किया गया तब माँ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तलवार को रोक लिया और तब से यह नरबलि का सिलसिला रुक चुका था। सुवर्णरेखा रिवर को दोबारा क्रॉस करके हम पहुंच चुके थे बुरुडी डैम की ओर और वहां पर जाके यहां का मनमोहक सौंदर्य को उपभोग करने लगे। और उस दौरान 3 घंटा कैसे व्यतीत हो गया वो समझ में भी मुझको नहीं आया था। बुरुडी डैम के ऊपर से बाइक निकल के वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करके और एक ब्रेड ऑमलेट खा के थोड़ा सा ऑफरोड करके हम पहुँच चुके थे धारागिरी वाटरफॉल के लिए। हालांकि इस वाटरफॉल पे आके मन खुश होने के जगह दुखी हो गया क्योंकि इससे ज़्यादा पानी तो हमारे बाथरूम के नल से भी गिरता है। उसके अगले दिन 14 फेब को हम घाटशिला को छोड़ के निकल चुके थे चांदीपुर के लिए थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। पर चांदीपुर पे पहुंच के हमको समुंदर में इतना ज़्यादा पानी का फ्लो देखा था कि हमने ये तय कर लिया कि ज़िंदगी में दोबारा यहाँ पर लौट के कभी नहीं आए। तो इसीलिए अगले दिन सुबह होते ही दोबारा निराशा को साथ लिए हम निकल चुके थे घर के लिए। हम हैं एक हॉस्पिटल में, नाम मालूम नहीं किस जगह का, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस पर कैमरा ऑन नहीं था, गाड़ी का बहुत बुरा हाल है और मेरा पैर में भी थोड़ा चोट लग गया है, हाथ में भी लग गया है। अब बजाज शोरूम में जाके फिर गाड़ी को ठीक कराते हैं। क्या पता है, बोस्ता कहकर एक उड़ीसा में जगह है, बोस्ता ऐसा ही कुछ नाम बताया वहाँ के लोकल ने। तो नॉर्मली मैं आ रहा था, अचानक ही एक बाइक यूटर्न ले लिया, खड़ा था, पता नहीं क्या सूझ गया उन भाई सब को, अचानक ही यूटर्न ले लिया। अब मुझे गैप मिला था 2 से 3 फीट का, उस डिस्टेंस में मैं क्या, कोई भी हो, कितना भी अच्छा बाइकर हो, कितना भी अच्छा राइडर हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कोई भी व्हीकल हो, उस स्पीड में मेंटेन करना शायद पॉसिबल किसी के लिए भी ना हो, तो मेरे लिए भी ऑब्वियसली बात है नहीं था। उनका पीछे का हिस्से को मैं जाकर टक्कर मार दिया और फिर बाइक रगड़ते हुए जा रहा था रोड पे, लिटरली रगड़ते हुए लगभग 20 फीट तक रगड़ा। मेरा कैमरा उस वक्त ऑन नहीं था, वरना पूरा का पूरा क्लिप जो है वो आपको दिख जाता। शायद कैमरा ऑन नहीं है, मैं अभी तक चेक नहीं किया हुआ क्योंकि मेरा हेलमेट का बुरा हाल है, मेरा कैमरा हेलमेट के जो इंसिल से मैंने चिपकाया हुआ था वो निकल चुका है, मेरा जैकेट फट चुका है, जूता पहना हुआ था ओराजो का पर वो भी मेरे पैर को पूरी तरीके से बचा नहीं पाया, 6 फ्रैक्चर हो ही गए, पर हाँ माइनर फ्रैक्चर है। अगर ये मतलब नॉर्मली कोई स्पोर्ट्स शू वगैरह कुछ पहन के अगर मैं राइड करता हूँ, मतलब अगर वो पहन के मैं राइड करता तो शायद पैर, और हाँ एक और चीज़ जो मेरा गियर था, मतलब मेरा ग्लव्स और हेलमेट तो एवरेज था, हेलमेट जो है स्टार्ट का एक थंडर है, मतलब था अभी, शायद पता नहीं है या नहीं, पहन के देखा भी नहीं, पर हाँ स्क्रैच से उनका भी, उसका भी बुरा हाल है। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो अभी थोड़ा साइड में है और मैं, मेरे लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यार समझ सकते हो। तो जो भी है अभी लगभग मतलब हेलमेट का हालत तो बहुत ख़राब है, ग्लव्स मेरा फट चुका है, जैकेट में थोड़ा सा फटा हुआ जैकेट थोड़ा सा फट गया है पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर राइडिंग गियर के वजह से मैं ज़िंदा बच गया, ये बात तो कंफर्म है।